नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्जेंट लिक्विड बनाने का तरीका। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, यह एक लिक्विड डिटर्जेंट जो बनेगा वह आपको सस्ता भी पड़ेगा और एक बढ़िया क्वालिटी भी पड़ेगा। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। एसी डिसलरी आप बढ़िया क्वालिटी का लीजिए जो गाढ़ा होता है, ये आपको ले लेना 1 kg। सोडियम मेटासिलिकेट, इस पर मैंने पिछले बहुत वीडियो बनाया है, यह किस काम में आता है। यह सफाई के साथ साथ झाग भी बनाता है थोड़ा बहुत, ये आपको ले लेना है 400 ग्राम। कास्टिक सोडा, ये आपको ले लेना है 100 ग्राम। वाटर 10 kg, ये आपका सस्ता भी बनेगा और एक बढ़िया क्वालिटी भी बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ले लेना है 10 kg वाटर। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है 1 kg कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जब भी यूज करें हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क जरूर लगा लें। कितने भाई पूछते हैं कि आपने तो हाथों में ग्लव्स नहीं पहना है, तो अरे भाई मैं आपको वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ही बना रहा हूँ, और ग्लव्स पहन लूँगा तो वो वीडियो में बढ़िया दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहना है। ठीक, कास्टिक सोडा लेने के बाद मैं आपको इसमें सोडियम मेटासिलिकेट, इसको आपको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें हम साल्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सोडियम मेटासिलिकेट मतलब नमक का मात्रा इसमें है और यह बढ़िया क्वालिटी हमारा बनेगा। साल्ट अगर हम इसमें यूज करेंगे तो थोड़ा हमारा क्वालिटी हल्का हो जाएगा क्योंकि हम इसमें वाटर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए तो हमें सस्ता में बढ़िया क्वालिटी बनाना है तो हम इसमें साल्ट यूज नहीं करेंगे। आप लोगों को मैंने वीडियो बना कर दिखाया ही है कि कास्टिक सोडा कैसे बनता है, इसमें भी नमक का ही यूज होता है तो इसलिए हमारा वह काम चल जाएगा। आपने पहले क्या लिया, वाटर, कास्टिक सोडा और सोडियम मेटासिलिकेट, इसे आपको मिला लेना है 10 मिनट अच्छी तरह से, और मिलाने के बाद में आपको इसमें एसी डिसलरी देखिए, अब यह एक गाढ़ा लिक्विड में बदल जाएगा। इसे भी आपको 10 मिनट मिला लेना है। देखिए, आप इसमें कलर यूज मत करिएगा और बढ़िया रहेगा क्योंकि ऑटोमेटिक एक बढ़िया कलर में आ जाएगा। हाँ, परफ्यूम आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, परफ्यूम आप इसमें थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, कलर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं या तो आप नहीं करेंगे तब भी बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। देखिए, ये आपका एक नंबर का लिक्विड डिटर्जेंट बनकर तैयार हो गया। अब इसे आपको क्या करना है, 10-15 मिनट अच्छी तरह से मिलाने के बाद में इसे आपको 1 दिन के लिए रख देना है। अगर आप बड़े पैमाने बना रहे हैं तो आप किसी ड्रम में बना रहे हैं या आप मशीन से बना रहे हैं, आप जिससे भी बना रहे हैं आपको इसे 1 दिन के लिए रख देना है और उसके बाद दूसरे दिन इसे आप बोतल में पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। यह एक बहुत बढ़िया क्वालिटी बनेगा, सस्ता का सस्ता भी रहेगा और एक बढ़िया क्वालिटी रहेगा। अगर आप लोगों को डिटर्जेंट लिक्विड का और भी वीडियो देखना है तो आप कमेंट में बताइएगा तो मैं एक सीरीज चला दूंगा, सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा तक का लिक्विड डिटर्जेंट बनाने का फार्मूला। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो मैं एक सीरीज चलाऊंगा। ठीक, समझ में आ गया।
चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। लाइक आप कर नहीं रहे हैं तो लाइक किया कीजिए। नमस्कार।